ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन योर कंटेंट्स तो बच्चा हम देख लेते हैं कंटेंट्स इसमें आपके जो आपका विंटर वेकेशन हुआ था उससे पहले हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट कम्प्लीट हो गए थे तो इसमें आपका आया था वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स ऑफ पोजिशन से ओके तो आप इसके लिए पेज नंबर सिक्सटी फोर निकालिए पेज नंबर सिक्सटी फोर में हम ओपन करते हैं ये देखिए वर्ड्स ऑफ पोजिशन ओके देखिए दिस इज पीटर्स लिविंग रूम ये किसका लिविंग रूम है पीटर्स का ओके पीटर का कमरा है ये लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इन ऑन अंडर और ओवर आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं आपको इन ऑन अंडर और ओवर का यूज करना है सबसे पहले है द क्लॉक इज ऑन द वॉल सेकेंड The shoes are under the table. The pillow is on the sofa. The fan is over the sofa. The carpet is on the floor. The lamp is on the table. The flowers are in the vase, and the books in on the table. Now turn your page. Read the sentences. Note how the highlight words describe the position of a person or a things. इन द पिक्चर अब आपको दिखाई देंगे इस पिक्चर में क्या पोजीशन बताई गई है किसी इंसान की किसी चीज की देखिए सबसे पहले है टू बॉयज एंड अ गर्ल आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री यानी कि जो दो लड़के हैं और एक लड़की है वो कहाँ खड़े हैं पेड़ के नीचे द गर्ल इज बिटवीन द बॉयज बिटवीन यानी कि बीच में लड़की कहें दोनों लड़कों के बीच में देयर आर बनानास इन बास्केट और वहाँ पे क्या है बनाना का है बास्केट के अंदर टोकरी के अंदर क्या है केले हैं मंकी इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ओवर द बॉय अब एक बंदर बैठा है कहाँ सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑन अ ब्रांच यानी कि टहनी के ऊपर बैठा है ओवर द बॉय अब बॉय के ऊपर है यानी कि ऊपर लटक रहा है वो सेकेंड पिक्चर में आप देखेंगे द कार इज बिहाइंड द मोटर बाइक मोटरसाइकिल के पीछे क्या है कार बिहाइंड यानी कि पीछे द मोटर बाइक इज इन फ्रंट ऑफ द कार और मोटर बाइक कहाँ है कार के फ्रंट यानी कि आगे है देयर आर टू मैन ऑन द मोटर बाइक तो मोटर uh, बाइक में मोटरसाइकिल में कितने आदमी हैं दो आदमी हैं देयर आर ट्री ट्रीज नियर द रोड और रोड के पास क्या है पेड़ है सो वी हैव लर्न सम वर्ड्स इन अ sentence, टेल अस अबाउट द position ऑफ पर्सन और थिंग्स इन रिलेशन टू another पर्सन और थिंग्स तो इन सेंटेंस में इन पिक्चर्स में आपने क्या पढ़ा एक आदमी की या आदमी की पोजीशन क्या है ये चीज़ों की पोजीशन क्या है और उन उनके आपस में क्या रिलेशन है कितने कहाँ पर क्या अंतर हो रखा है एक इंसान के और दूसरे इंसान के बीच में दे आंसर द क्वेश्चन वेयर इज़ ही शी दे इट ओके समाइम्स कॉमनली यूज वर्ड ऑफ आर इन ऑन नियर, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड अंडर ओवर एवर बिलो नेक्स्ट टू एंड बिटवीन सम वर्ड्स पोजिशन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है तो आपने यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे पोजिशन बताई गई है आपको जैसे अब आगे देखिए आप थ्री मैन आर गोइंग अप दिल द टू वुमेन आर वॉकिंग डाउन द हिल तीन आदमी क्या हैं? पहाड़ी पर ऊपर जा रहे हैं और दो औरतें क्या रही आ रही हैं पहाड़ी के नीचे आ रही हैं छोटी से नीचे आ रही हैं ठीक है द ट्रेन पासिंग थ्रो अ टनल अब जो ट्रेन है वो कहाँ से होके गुजर रही है टनल से होके गुजर रही है तो आज हम इतना ही देखेंगे इसके नेक्स्ट हम आ, इसका नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप इतना देखिए कि यहाँ पे क्या पोजीशन थी इसको अपनी बुक में फिल करेंगे ओके